नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना में लगने वाले नए सीएनजी स्टेशन के बारे में। नए साल में बिहार की राजधानी पटना में 18 नए सीएनजी स्टेशन बनने वाले हैं। नए स्टेशन लगने के साथ साथ स्टेशन पर लगने वाली गाड़ियों की लाइन से अब लोगों को निजात मिल जाएगी या कहने की छुटकारा मिलने वाला है। साथ ही साथ प्रदूषण की समस्या से भी लोगों को निजात मिलेगी। बता दें कि स्वच्छ ऊर्जा मुहैया कराने के लिए साल 2022 में राजधानी पटना में सीएनजी के 18 नए स्टेशनों को खोलने की योजना बनाई गई है। राजधानी पटना में सीएनजी के साथ ही पीएनजी की भी बढ़ोतरी की जा रही है। बता दें कि पीएनजी को लेकर गेल इंडिया लिमिटेड इसमें तेजी से काम कर रहा है। कंपनी के जीएम अजय कुमार ने बताया कि साल 2022 में पटना में सीएनजी की खपत 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ शहर में गैस पाइपलाइन को तेजी से विस्तार दिया जाएगा। अगर लक्ष्य तक पहुंचने में देरी हुई तो हम पाइपलाइन चालू करने में, यानी कि कहने की अगर गैस पहुंचाने में देरी हुई या फिर पाइपलाइन की शुरुआत करने में देरी हुई तो टैंकर की मदद से जो है सप्लाई की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि राजधानी पटना में 45,000 किलो से अधिक सीएनजी की खपत प्रतिदिन होती है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि दिसंबर 2022 तक 1 से 1.25 लाख किलो सीएनजी प्रतिदिन खपत करने की योजना जो है अब बिहार सरकार की तरफ से बनाई गई है। वर्तमान में अगर हम सीएनजी स्टेशनों की संख्या की बात करें तो 12 स्टेशन काम कर रहे हैं। मार्च 2022 तक इसे बढ़ाकर 20 तक कर दिया जाएगा और दिसंबर 2022 तक यह बढ़कर 30 हो जाएगा। इस लिहाज से साल 2022 में 18 सीएनजी स्टेशन राजधानी पटना में चलने लगेंगे। बता दें कि नए साल में गेल इंडिया बस स्टेशनों के नज़दीक भी सीएनजी स्टेशन खोलने वाली है। बता दें कि सीएनजी स्टेशन दिसंबर 2022 से पहले बस स्टेशनों के पास स्थापित कर दिया जाएगा। बस स्टेशन के पास सीएनजी स्टेशन बनने कन्वर्ट हुए बसों में गैस प्राप्त करने में समस्या नहीं होगी। अगर हम वर्तमान सीएनजी स्टेशनों की बात करें तो शहर के अंदर स्थित सीएनजी स्टेशनों में ऑटो की लंबी लंबी लाइन लगती है। वो देर रात तक गैस भरवाने के लिए लाइन लगाते रहते हैं। बताया जा रहा है कि शहर में लगभग 15,000 सीएनजी गाड़ियों का परिचालन हो रहा है। ऐसे में अगले साल दिसंबर तक इनकी संख्या में और भी इजाफा होने की बात बताई गई है। इधर गेल इंडिया ने ISBT और फुलवारी शरीफ बस स्टैंड के पास जमीन अधिग्रहण की मांग की है। सीएनजी के साथ साथ पीएनजी पर भी राजधानी पटना में काम चल रहा है, जिसमें आपके घरों तक गैस पहुंचाया जाएगा। ऐसे में साल 2022 में शहर के कई इलाकों में पीएनजी गैस की सप्लाई शुरू करने की योजना है। नए साल में गांधी मैदान के नज़दीक DRS स्टेशन की भी शुरुआत होने वाली है। बता दें कि दानापुर से गांधी मैदान के बीच में बिछाई गई पाइपलाइन में हाइड्रा टेस्ट का काम चल रहा है। इसके साथ साथ गांधी मैदान के आसपास के इलाकों में PNG गैस की सेवा शुरू हो सकती है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि गांधी मैदान के आसपास के इलाकों में स्थित होटलों में PNG गैस की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही साथ अनीसाबाद और बाईपास के सटे इलाकों में PNG गैस की सुविधा बहाल की जा सकती है। ऐसे में अब सिलेंडर वाले गैस पर लोगों को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ साथ उन्हें जो है अब PNG गैस यानी कि उनके घर में ही जो है गैस की मुहैया अब जल्द ही होने वाली है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।